अब पंजाब में भी ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि अमृतसर के नीलकंठ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों ने दम तोड़ा है। अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। सिविल प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह पूरी जाँच कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी उसके रिजल्ट सामने आएंगे वो आपको सबको बताए जाएंगे। बकायदा जो पर कोई किसी भी पार्ट पे किसी भी साइड से वो फॉल्ट पाया जाता है उसके खिलाफ बकायदा कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे है कि कुछ तो लोगों में पैनिक हो जाता है कि जब कोई ऐसी कोई चीज़ शॉर्टेज आ जाती है लोग खुद ही ऐसे शुरू कर देते सिलेंडर खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग कालबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे ऑक्सीजन की कमी है पंजाब में अभी तक? देखो पंजाब में क्या है कि पंजाब में हमारे पास तो सिर्फ 32 मीट्रिक टन गैस है, बाकी सारी बाहर के सोर्स से हमारे पास आती है। ठीक है, हमारी 120 मीट्रिक टन की पर डे की रिक्वायरमेंट है कल तक की जो है, लेकिन इसके बाद जो ज़्यादा आंकड़ा बढ़ता है और रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, लेकिन हमारे सभी सोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब खुद भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने बकायदा कल जो पीएम की बीसी है उसमें भी मुद्दा उन्होंने सामने रखा कि आप बकायदा किसी डिस्क्रिमिनेशन से आप सब जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है जितनी डिमांड है उसको पूरा करें, कोई ऐसी घटना ना वापरे। सर पूरे पंजाब का स्टेटस पता कर रहे हो या निजी अस्पतालों पे भी चेक रखा जा रहा है कि बकायदा बकायदा हर जगह पे हर सिविल सर्जन जो हमारा डीसी है वो डीसी को बकायदा इस चीज़ के लिए डिलीवर किया गया है, उसके पास सारी पावर है किसको क्या कमी है तो वो पूरी करते हैं। आप कह रहे हैं लेकिन अब किसी ने कोई को ऐसा बोला है तो उसकी इंक्वायरी होगी। अगर किसी अफसर को उन्होंने बोला है तो किसको बोला है, कि कोई मेल की है या उन्होंने पहले एडवांस उनको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, जैसा चीज़ दिखने वाली बात है। इसके बगैर किसी जांच के पहले उस कारण गलत होगा। देखो बात ऐसी है कि सप्लाई तो हर जगह ठीक है, मैं कह रहा हूँ कल तक बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हो सकता वहाँ पर कोई लीकेज हो